बैग दे दो। तो अभी पीछे का हमने सामान फिट कर दिया है, अब यहाँ त्र्यंबकेश्वर से निकलेंगे, नासिक सीधे चलेंगे और नासिक से निकलेंगे तो औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे है? सब्सक्राइब कर दो। आगे अभी ये आध्या और अक्षु का बेड बन जाएगा। हमें कैंपिंग वैन बनाने के लिए कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक ये चलो बंद। ये शू रखने की जगह हो गई ना, और ये बेडरूम हो गया। तो गाइस अभी हम नासिक पहुंच चुके हैं और पंचवटी 5 किलोमीटर यहां से है। ये देखो छोटा हो रहा है ना। पार्किंग के लिए कहां मिलेगा? तो अभी हम आ गए हैं रामकुंड, और ये भगवान श्री राम यहीं पे स्नान किया करते थे, पता है अध्याय? इसी कुंड में, ये जो कुंड है पीछे दिख रहा है ना, उसी कुंड में भगवान श्री राम स्नान किया करते थे। हेलो, तो गाइस जैसा कि पता है आपको, ये रामकुंड जहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, और यहीं पे मान्यता है कि भगवान श्री राम नहाया करते थे, स्नान किया करते थे। नासिक या पंचवटी वो जगह है जहाँ पे सीता जी का हरण हुआ था, सुपर्णखा का नाक काटा गया था। अगर आप रामायण के बारे में जानते हैं तो सुपर्णखा के नाक काटने की वजह से इसका नाम नासिक पड़ा था। अब ये देखिए इसमें बहुत सुंदर सुंदर मछलियां हैं। ये काला राम मंदिर है यहाँ पे, और क्योंकि हमारे पास थोड़ी समय की कमी है इसलिए हम सीधा सीता गुम्फा के लिए जाएंगे। और ये पंचवटी नाम क्योंकि यहाँ पे 5 बरगद के पेड़ है। तो ये हम सीता गुफा के अंदर आ गए, माँ सीता का मंदिर। बैठ के जाना है इसमें। कितना अंदर जाना है? तुम लोग बाहर ही रहो। आ जाओ। जय भोले बोलो। ये देखो रावण सीता जी को हरण करके ले जा रहा है, साधु का गेटअप करके ले जा रहा है माँ सीता को। इधर एग्जीबिशन वगैरह है,
और यहाँ से कुछ पेड़ा वड़ा हम खरीद ले। तो गाइस अभी हम छोड़ चुके हैं नासिक, औरंगाबाद के लिए निकल चुके हैं। लगभग 3 घंटे की जर्नी नासिक से, 200 किलोमीटर है नासिक टू औरंगाबाद। और औरंगाबाद में चल के सबसे पहले आज ही बीवी का मकबरा शायद हो सके तो कवर कर लेते हैं। आगे का प्लान आगे देखा जाएगा, बने रहिए लास्ट तक।